कोरोना महामारी के दौर में पूरे देश प्रदेश सहित रतलाम में भी बीमारी के साथ कई परिवार व दुकानदार आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहे हैं। लगातार 2 माह तक व्यापार व्यवसाय उद्योग बंद होने से आमजनों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। 2 माह के लॉकडाउन में बिजली विभाग ने आमजनों को महंगे बिजली बिल थमा दिए, जिसकी वसूली धड़ल्ले से की जा रही है। जबकि इस 2 माह के बिजली बिल माफ कर सरकार को राहत प्रदान करनी चाहिए। बिजली बिल माफ करने बाबत आज आम नागरिक मोर्चा द्वारा बिजली विभाग जाकर ज्ञापन दिया गया। मोर्चा द्वारा कहा गया कि यदि हमारी मांग स्वीकृत नहीं होती है तो आम नागरिक मोर्चा द्वारा संवैधानिक गांधीवादी तरीके से चरणबद्ध आंदोलन किया, जिसमें आम नागरिक मोर्चा के सामाजिक कार्यकर्ता मदन चौहान द्वारा अनशन किया जाएगा। साथ ही सत्याग्रह एवं मौन धरना करने की चेतावनी दी गई है। रतलाम से चैतन्य शर्मा की रिपोर्ट। हमारी ज्ञापन के नाम से मध्य प्रदेश शासन से ये मांग है कि पिछले 2 महीने से लॉकडाउन के दौरान सभी तरह के व्यापार धंधे उद्योग सभी बंद थे, तो 2 महीने का इकट्ठा भी मन मर्जी से बिना रीडिंग के आया। इस दरमियान सबके धंधे बिजनेस बंद थे, आर्थिक रूप से सभी जने पिछड़ गए हैं, तो मध्य प्रदेश शासन सभी के बिल माफ़ करके आम जन को एक राहत प्रदान कर सकती है, जिससे गरीब बड़ा व्यापारी मजदूर उद्योगपति सभी को राहत मिलेगी और मध्य प्रदेश शासन ये कर सकता है। अगर ये मांग हमारी नहीं मानी जाएगी, 1 जून से हम इसका चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और 10 जून तक भी अगर इस चीज़ का कुछ पक्का और ठोस निर्णय नहीं होगा तो 10 जून को मेरे द्वारा अनशन किया जाएगा।